हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम स्टिचिंग का वीडियो आप सबके साथ शेयर करेंगे। आई होप आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लिया होगा। बैक नेक है और उसके ऊपर जो हमने बैक नेक कट किया था वही रखेंगे। तो देखिए, मैंने पहले आपको उल्टा करके दिखाया था, बट हमें इसे सीधा रखना है। अपने कपड़े को, मेन कपड़े को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हम अपना इनर पार्ट रखकर उसको सिलाई कर देंगे। इनर पार्ट को हम जब अंदर की तरफ पलटेंगे तो वो बैक साइड में चला जाएगा और हमारा नेक जो है वो इसी से बनकर रेडी हो जाएगा। हमें अलग से नेक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पंथ दो काज इसको बोलते हैं कि हमारा इनर पार्ट भी जुड़ जाता है और हमारा नेक भी फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो जाता है। तो जैसा मैं दिखा रही हूँ वैसा आप भी करना, और आने वाले टाइम में मैं हमारा जो इनर पार्ट होता है ना, उसको अलग अलग तरीके से मैं आपको लगाना सिखाऊंगी, जिसके 2 से 3 बेनिफिट हो जाएंगे। तो देखिए, नेक हमारा बन गया। इसमें अब नोचेस लगा लेते हैं, छोटे छोटे कट लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। तो ये देखिए, जो हमारा फ्रंट है ना, फ्रंट कपड़ा जो है, अब मेन कपड़ा जो है वो हमारा आ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से किनारे की तरफ टॉप स्टिच आप लगा देना। यहाँ पर मोटा बखिया से लगाना, बिल्कुल भी पतली सिलाई मत लगाना, मोटा मोटा लगा देना, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे बाद में अपना आराम से इजीली खोल सके। तो ये देखिए, इस तरह से एडजस्ट करते हुए, कपड़े को बराबर करते हुए यहाँ पर मैं इस तरह से इसको सिल लूँगी। आप सोचोगे इनका कपड़ा ब्लैक है, जी ये बिल्कुल ब्लैक नहीं है, नेवी ब्लू कलर का कपड़ा है ये। और मुझसे गलती क्या हो गई कि मैं यहाँ पर लाइट ब्लू कलर का कपड़ा ले आई। तो जब ला चुके हैं तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर ही लगा दिया। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरह से अब चारों तरफ से मैंने पिनअप कर लिया है और इसको हम जल्दी से चारों तरफ से इसको सील लेते हैं। इनर पार्ट जो हमारा है उसको अंदर की तरफ हम यहाँ पर स्टिच कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, बहुत ही ईजी है। बस बड़ा बड़ा बखिया चला दीजिए इसके ऊपर, बखिया बोल रही हूँ, सिलाई लगा दीजिए बड़ी बड़ी सी, और ये आराम से जुड़ जाता है। क्योंकि अभी हम इसको चारों तरफ से और दोबारा से भी सिलाई लगाने वाले हैं, तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। बस इस तरह से रखकर, और आप एक बार रखिए और चारों तरफ घुमा दीजिए सिलाई। तो ये देखिए, एक पार्ट जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, दूसरी तरफ से जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी मैं इसी तरह से सील लेती हूँ। ठीक है, तो एक पार्ट जो है हमारा बिल्कुल नेक से शुरू करके और दूसरे नेक तक आपको जाना है, ये ध्यान रखिएगा। पूरा एकदम गोल में सिलाई कर दीजिए, जहाँ जहाँ जो जो पार्ट है, ताकि जब हम आगे का काम करें तो ये सिलाई वगैरह जो है वो ज़्यादा दिखाई भी ना दे। किनारे किनारे लगाना है, और उससे क्या होगा कि जब हम दूसरे पार्ट इसमें अटैच करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगी। तो ये देखिए, एक पार्ट मेरा रेडी हो चुका है। चलिए, दूसरा पार्ट जो है, फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी करते हैं। हमारा बैक था, तो ये फ्रंट पार्ट जो है, ये देखिए, मैंने इनर पार्ट पे यहाँ पर नेक ड्रॉ करूँगी मैं। तो ये देखिए, लेंथ जो है, पहले चौड़ाई देख लेते हैं, 3 इंच ली है मैंने, और यहाँ पर लेंथ जो है मैंने 6 इंच ली है। तो देखिए, इस तरह से रखते हुए आप लाइन खींच लीजिए और इसका सेंटर निकाल लीजिए। यहाँ पर मैंने 3 इंच पर सेंटर निकाला है। ये देखिए, 3 इंच तक हम अपना लाइन खींच देंगे, और यहाँ से देखिए हल्का सा कर्व देते हुए आप इसको नीचे लाइए, और उसके बाद यहाँ से एक और कर्व दे दीजिए। ठीक है, तो ये डबल हार्ट टाइप का बन जाएगा, और इसको इस तरह से रख कर आप इसको टैप टैप कीजिए, तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है उस पर भी इसका निशान आ जाएगा। फिर आप इसको चौक से डार्क कर लेना। ठीक है, तो ये देखिए, हल्का हल्का सा निशान आ रहा था, तो इसके बाद मैंने इसको चौक से डार्क कर लिया। और हम इसको कट नहीं करेंगे, मेन पार्ट ये है, कट नहीं करना है। इसमें हमें बुकरम का यूज़ नहीं करना है, हमारा नेक जो बहुत अच्छे से बनकर रेडी होगा। तो ये देखिए, पिनअप करने के बाद चले इसको स्टिच कर लेते हैं मशीन पर चलकर। तो देखिए, जो हमने लाइन ड्रॉ किया ना, बिल्कुल उसी के ऊपर आपको मशीन चला देनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से घुमाते हुए आप अपने कपड़े को एडजस्ट करते हुए नेक की जो लाइन है, जो हमने ड्रॉ कर रखी है, उसी पर घुमाइए। जब आपको कपड़ा घुमाना हो तो सुई अंदर रखकर तब घुमाना। अगर आपने सुई ऊपर करके घुमाया तो ये लाइन से हट जाएगा, और फिर आपका नेक जो है वो फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी नहीं होगा। जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, प्लीज़ वैसा ही करना, तभी आपका नेक जो है वो मेरी तरह से सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा बनकर आएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आई थिंक, बट आपको दिखाना ज़रूरी है। मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में भी नहीं चला रखा है, क्योंकि बहुत सो को समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं वीडियो को भी मैंने बहुत आराम से, ज़्यादा स्पीड इसकी नहीं बढ़ाई है। तो ये देखिए, जब हमारा नेक पर सिलाई लग जाए तो इस तरह से आपको उसको कट करके निकाल देना है, ये देखो। और उसके बाद आपको नोचेस लगाने हैं। ठीक है, देखिए, बिल्कुल किनारे किनारे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको इसको कट कर लेना, बिल्कुल मिलाकर मत कट करना। अब देखिए, नोचेस लगा लेते हैं, और फिर इसको हम बैक साइड में पलट कर इस पर भी टॉप स्टिच लगा देंगे। पहले मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखना सोच रही थी, बट मैंने सोचा कि सिंपल सा प्लेन कपड़ा है, अगर इस पर थोड़ी सी लेस वगैरह लग जाए तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने इस पर एक लेस लगाई नेक पर भी और बाजू पर भी, तो वो लगने के बाद ये बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आया था। तो ये देखिए, बैक साइड में मैंने इसको टर्न कर दिया है, और यहाँ यहाँ पहले मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। जब मैंने ये सिलाई लगाई, तब लगाने के बाद मुझे ध्यान आया कि मैं इस पर अगर लेस लगा दूँ तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहो तो जब ये टॉप स्टिच लगाते हैं ना, उसी टाइम पर आप यहाँ पर लेस लगा देना। मैंने 2 बार सिलाई लगाई थी, क्योंकि पहले नहीं था कि इस पर लेस लगाएंगे, फिर बाद में मुझे लगा गोल्डन कलर की लेस लगा देते हैं तो बहुत अच्छा है, इसका लुक जो है इन्हेंस हो जाएगा। तो फिर मैं बाद में मैंने इस पर अपना गोल्डन कलर की लेस लगाई, और वही लेस फिर मैंने अपने
कुर्ती का जो पार्ट है टॉप वाला पार्ट उस पर भी बीच में सेंटर में लगाई, और फिर उसको मैंने अपने जो मेरी बाजू है बटरफ्लाई बाजू उस पर भी मैंने वो लगाई, तो उससे जो ये मेरा गाउन कम कुर्ती जो बनकर आई ना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। आपको भी ब्यूटीफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से चारों तरफ से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले पार्ट में आपको बताया था बैक वाला पार्ट में बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगा दी है। ठीक है, अब चलिए इसकी जो कंधे हैं वो जोड़ लेते हैं। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं, कंधे जोड़ लेते हैं। सीधे से सीधे पार्ट को मिलाना है और अपने कंधे जोड़ देने हैं यहाँ से। ठीक है, कंधे जोड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। दोनों को ऐसे रखिए और बस सिलाई लगा दीजिए, बट यहाँ पर सिलाई ना पक्के वाली लगानी है, बड़ा बड़ा बखिया नहीं चलाना है आपको। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आप इसको सिल दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपने मेरे इस वीडियो को या मेरे जो भी मैं अभी स्टिचिंग के वीडियो चैनल पर अपलोड कर रही हूँ उनको देखकर अगर कुछ भी बनाया हो तो प्लीज़ इंस्टा पे मुझे पिक ज़रूर भेजना। इंस्टा की आईडी है सिस्टी क्रिएटिव गार्डन। तो ये देखिए दोनों पार्ट हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ ये देखिए यहाँ पर इसमें ये वाली लेस लगाऊंगी मैं। ये लेस जो है मैं बाद में बाई करके लाई थी, तो पहले मैंने सेंटर में लगाई, सेंटर पे मैंने लाइन खींच ली स्केल की हेल्प से, और उसके बाद मैंने ये लेस जो है गोल्डन कलर के धागे से यहाँ पर लेस लगा दी। यहाँ पर मैं दो लेस लगाऊंगी सेंटर में बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने यहाँ से कट करके इसको निकाल दिया था, एक तरफ से लगाई मैंने, पहले लेफ्ट हैंड की तरफ से लगाई फिर राइट हैंड की तरफ से लगाई। तो ये देखिए बहुत आराम से लेस के ऊपर सिलाई चल जाती है। अब यहीं पर से मैंने दूसरा जो है अपना वो लगाया। ये देखिए इस तरह से मोड़ के लगाओगे तो भी चल जाएगा और बिना मोड़े लगाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम नेक पर भी ऊपर की तरफ से लगाएंगे तो ये छुप जाती है। ठीक है, तो वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए हो रहा है सब कुछ। और देखिए इस तरह से मैंने अपना जो कुर्ती है उसको ब्यूटीफुल बना दिया, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक पे भी हम लगा लेते हैं, फ्रंट वाले नेक पे लगाएंगे, बैक वाले पे नहीं लगा रहे हैं। आप चाहो तो इसे बैक वाले पे भी लगा सकते हो। तो ये देखिए एडजस्ट करते हुए बिल्कुल किनारे किनारे लेते हुए और आप उसको घुमाते हुए इसके ऊपर सिलाई चला दीजिए। और आपको ध्यान ये रखना, जब भी आप अपने कपड़े को या अपनी लेस को घुमाओगे तो आपको सुई अंदर ही रखनी है, सुई को बाहर नहीं निकालना है। अगर सुई बाहर निकाली तो आपके लेस जो है वो जगह से हिल जाएगी और आपके नेक जो है वो फिनिशिंग के साथ बनकर नहीं आएगा। तो ये देखिए इस तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ प्लीज़ वैसे ही करना। अगर आपको यहाँ पर मोड़ने में दिक्कत होती हो तो आप यहाँ पर कट करके उसको दोबारा से मोड़ सकते हो, बट मैंने इसको इजीली लगा लिया था क्योंकि मैंने सुई अंदर रखी थी। अगर मैं सुई बाहर निकालती तो ये मेरा नेक जो है वो बिगड़ जाता, लेस जो है उस पर फिनिशिंग के साथ नहीं लगती, बट सुई अंदर रखने से ना बहुत आराम से ये नेक बन गया था और लेस भी इस पर बहुत आराम से लग गई थी। तो ये देखिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हो इस टाइम पर बिल्कुल वैसे ही लगा देना, घुमा घुमा कर अपने कपड़े को लेस को घुमाते हुए इस लेस को पूरा एंड तक इस तरह से मैंने लगा दिया था। देखिए यहाँ पर मैंने ज़रा सा भी वीडियो को कट नहीं किया है और बिल्कुल आपको दिखाने के लिए ये लेस मैंने बहुत आराम से लगाई है, ज़रा सी भी क्लिपिंग मैंने बीच में से कट नहीं की है। सारा का सारा वीडियो जो है बिल्कुल मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ भी कट नहीं किया। ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ इसको मोड़ना है और ये देखिए यहाँ पर इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर एंड में जाके आपको पक्के वाली सिलाई लगानी है क्योंकि इसका एंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अब इसका फाइनल लुक देख लीजिए। ये बनकर इस तरह से रेडी हुआ है डार्क ब्लू कलर पर और ये गोल्डन कलर की लेस बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि कपड़ा डार्क है और उस पर लेस हमने लाइट कलर की लगा दी है। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा बॉटम वाला पार्ट जो है उसको देख रहे हैं रखकर कि कहाँ कैसे एडजस्ट करेंगे इसको और किस तरह से हम इसमें चुनटे डालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से मैं दिखा रही हूँ कि मैं इसको बनाऊँगी। तो चलिए क्योंकि यहाँ पर जगह छोटी पड़ रही थी तो मैं इसको ज़मीन पर रख कर आपको बताऊँगी कि इसको कैसे करना है, कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो बॉटम पार्ट का नीचे वाला पार्ट है ना उसको सील लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर लेस लगा लेना, आप चाहो तो यहाँ पर पीको कर सकते हो। तो मैंने सिंपल तरीके से इसको बस सिलाई कर ली थी, आप भी इसी तरह से सिलाई कर लेना। ये देखिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इस तरह से बस उसको आपको सिलाई कर देनी है। ये देखिए, तो ये देखिए बॉटम पार्ट में सिलाई लग गई है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए सेंटर से हाफ 4.5 रख सकते हो आप और या फिर 4 इंच रख सकते हो। ठीक है, मैं बोलूँगी आपको कि आप 3 इंच रखना क्योंकि जब मैंने 4 इंच रख के इसको बनाया ना तो ये मुझे थोड़ा सा सेंटर में से अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसको दोबारा से 3 इंच रखा था। सेंटर में से 3 इंच इधर कर लेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ, 3 इंच राइट हैंड की तरफ निशान लगा कर, और अपना जो बॉटम वाला पार्ट है उसमें भी कट कर लेंगे, सेंटर पार्ट निकाल कर उसको पिन कर देंगे। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ से पिन कर दिया, राइट हैंड की तरफ से पिन कर दिया, सेंटर से पिन कर दिया, और जो बीच में बचा है उसको जहाँ पर हमने निशान लगाया था 3 इंच पर वहीं तक आपको
छोड़ देना है और बाकी आगे आपको चुन्नटें भर देनी है। तो दोनों की चुन्नटें आमने सामने रहेगी, देखिए एक तरफ से मैंने लगा ली है, दूसरी तरफ से आपको लगाना मैं बताती हूँ। तो ये देखिए उस तरफ का मुंह हमारे राइट हैंड की तरफ था, तो इस तरफ का मुंह हम लेफ्ट हैंड की तरफ कर देंगे, चुन्नटों का मुंह बोल रही हूँ मैं आपको। तो ये देखिए इस तरह से एडजस्ट करते हुए करना है, जो मैंने निशान लगाया है निशान से पीछे पीछे ही रखना है, हमारी चुन्नटों को गैदर को आगे नहीं ले जाना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से पिनअप कर लीजिए, ये देखिए ये हमारी फर्स्ट चुन्नट जो है वो लग चुकी है, और अब हम दूसरी इस तरह से बनाते हैं। बिल्कुल आसपास बनाइएगा, ज़्यादा दूर दूर मत बनाइएगा, नहीं तो देखने में अच्छी नहीं लगती है, पास पास बनाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से दूसरी भी मैंने बना ली है, इसको भी पिन कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में इसी तरह से चुन्नटें बनेंगी, दोनों को इसी तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है और ये चुन्नटें आपको बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से पास पास चुन्नट जब आती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। और इस वाली गाउन कम कुर्ती को अगर ये डिज़ाइनर जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, डिज़ाइनर कम कुर्ती को जब आप मार्केट से ख़रीदने जाओगे ना, ये बहुत महंगी मिलने वाली है, और मैंने आपको घर पर इसको इजीली तरीके से आपको बनाना सिखा दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर चार चुन्नटें हमारे डल गई हैं, दूसरी तरफ हमारी छः आई थी, तो इस तरफ भी आपको छः ही बनानी है, ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ चार है तो यहाँ पर आपने छः बना दी, दोनों तरफ इक्वल रखना है। अगर उस तरफ पाँच है तो इधर भी पाँच बनाइए, इधर छः है तो इधर भी छः बनाइए, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से बराबर करते हुए यहाँ पर मेरी चुन्नटें जो हैं वो टोटल लग चुकी है, और टोटल चुन्नटें जो आई हैं छः इधर आई हैं और छः उधर आई है, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको गिन कर बता दिया, ठीक है, छः आई है यहाँ पर। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सील लेंगे। दोनों का मुंह दिख रहा है ना आपको आमने सामने, एक का मुंह इधर है एक का मुंह इधर है। तो पहले पिन निकाल देते हैं और ये जो बॉटम पार्ट है ना पहले इसी को सील लेते हैं, उसके बाद हम इसको मेन फैब्रिक के साथ जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको रखते हुए चुन्नटों को एडजस्ट करते हुए इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है, बड़े ध्यान से पिन निकालते हुए आराम से धीरे धीरे सिलाई लगाना। पिन अगर आपकी सुई के नीचे आ गई तो आपकी सुई जो है वो टूट जाएगी, तो बड़े आराम से आपको धीरे धीरे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ बिल्कुल आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है, और ध्यान रखना है कि चुन्नट बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल ना जाए मुड़ ना जाए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लगा ली है और बस वहीं लगा रही हूँ जहाँ पर मैंने चुन्नट लगाई है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से एक तरफ से लग गई है, दूसरी तरफ से भी आपको इसी तरह से लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ से इसको सिलाई कर लिया है। अब ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है और उसका जो इनर पार्ट है अस्तर जिसे बोलते हैं वो लगा लेना। तो देखिए इसके अस्तर के नीचे की तरफ से ना किनारी बनी हुई, तो मुझे वहाँ पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। ऊपर की तरफ से सबसे पहले हम इसको जो हमारा मेन कपड़ा है उसके साथ अटैच कर देते हैं, उसको सील देते हैं। सीलना बहुत आसान है, इसमें कोई खास ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली कोई बात नहीं है। इसको जल्दी से मैं सील लेती हूँ और उसके बाद इसका लुक आपको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा अस्तर जो है वो जुड़ चुका है। चलिए अब इसको अपना जो ऊपर का पार्ट है उसके साथ अपना बॉटम पार्ट को अटैच कर देते हैं। बस इस तरह से रखना है आपको पिन से सिक्योर करके, पिन अप करके आप इसको सिलाई कर दीजिए। देखिए आपको ऐसे ऊपर की तरफ इसको पलट देना है और दोनों पार्ट को मिलाते हुए आपको सील देना है। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों पार्ट जो मेरा ऊपर का पार्ट है बॉडी पार्ट और नीचे का बॉटम पार्ट, दोनों का जो सीधा सीधा पार्ट है वो एक दूसरे के सामने है, तब मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए हमारा सेंटर पार्ट आ गया है, बस सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर ओवरलॉक वगैरह भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से आपको पूरा एंड तक इसमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप मैंने बिल्कुल भी क्लिपिंग जो है वो कट नहीं की है, सारी की सारी आपको सिल कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए एक पार्ट जो है हमारा रेडी हो चुका है, इसी तरह से हमको दूसरा पार्ट भी रेडी करना है जो हमारा बैक साइड का पार्ट है। तो ये देखिए रेडी हो चुका है मेरा, और इसके बाद दूसरा पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया था। और अब चलिए हम इसको आपको बाजू वगैरह का तो वीडियो भी चैनल पर जा चुका है उसको भी देख लेना। तो बाजू अटैच करने के बाद फिर हम जो इसकी फिटिंग वाली सिलाई है वो आपको लगाना बताएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स बाजू हमारी अटैच हो चुकी है और ये फिटिंग वाली सिलाई जो है वो मैं लगा रही हूँ। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगाइए और उसको बिल्कुल बाजू से लेकर बिल्कुल जो एंड पार्ट होता है ना हमारा बॉटम पार्ट वहाँ तक सील दीजिए। सीधी सीधी सिलाई लगानी है, कोई खास इसमें डिफ़िकल्ट आपको नहीं होने वाला है कि मुझसे सिलाई नहीं लग रही, बिल्कुल आराम से सिलाई लग जाती है। अगर फिर भी अगर लग रहा है कि आपको ऊपर नीचे मेरे पार्ट हो जा रहे हैं तो आप इनको पिन से सिक्योर करके उसके बाद सीलना। तो ये देखिए बॉडी पार्ट का सेंटर जो है वो आ गया है बॉडी पार्ट का, और हमारा जो बॉटम पार्ट है तो उसको मैंने नीचे की तरफ पुश करके सिलाई को तब यहाँ पर सिलाई लगाई है। तो ये देखिए बॉडी पार्ट तक आपको सिलाई जो है फिटिंग वाली लगानी है और उसके नीचे आप बिल्कुल किनारे
किनारे चले जाइए, वहाँ पर फिटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटी का बेल आइकन आता है ऑल पर प्रेस कीजिए, तभी आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारा वीडियो देख सकोगे। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग की प्लेलिस्ट ऐड कर रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हो। और बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से DIY मैंने आपको करके दिखाया है। और ये बटरफ्लाई वाली बाजू आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।